हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th हिंदी लोकवाणी पार्ट 8वां, जो कि है कर्मवीर। तो इस पार्ट का आज हम स्वाध्याय और उपयोजित लेखन देखने वाले हैं। चलो तो फिर शुरू करते हैं। तो अब हम देखेंगे स्वाध्याय, सूचना अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। कर्मवीर इनमें परिवर्तन करते थे। किनमें करते थे? भाग्य को बदल देते थे, विघ्न बाधाओं को खुशियों में बदल देते थे, कठिन काम को आसान बना देते थे, भीड़ में वीरता का परिचय देते थे। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, कृति पूर्ण कीजिए। कर्मवीर नहीं करते, कार्यस्थल पर बातें नहीं बनाते, समय को व्यर्थ नहीं बिताते, आज का काम कल पर नहीं टालते, कोशिश करने में जी नहीं चुराते। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न, विशेषताएँ लिखिए। कर्मवीर काम करते समय बीच में ही अधूरा नहीं छोड़ते हैं, काम से मुंह नहीं मोड़ते हैं, बातें नहीं बनाते, समय नहीं बिताते। हम देखेंगे चौथा प्रश्न, कविता में इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। कर्मभूमि कार्यस्थल, अकारण वृथा, आकाश गगन, विश्वास भरोसा। अब हम देखेंगे पांचवा प्रश्न, कविता की अपनी पसंदीदा 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। उत्तर देखेंगे, जो कभी आपने से लेकर चुराते हैं नहीं। यहाँ तक हमारी ये पंक्ति है, इसका अब हम सरल अर्थ देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि हरि उद्ध जी कहते हैं कि कर्मवीरों के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए वे समय को कभी व्यर्थ नहीं गंवाते। जिस काम को जिस समय करना है उसे उसी समय करते हैं, वे काम को कल पर नहीं छोड़ते हैं। जहाँ काम करना हो वहाँ कोई बहानेबाजी और आनाकानी नहीं करते। आज का काम कल पर टालकर वे अपने दिनों को व्यर्थ नहीं गंवाते। समय का सदुपयोग करना यही उनका कर्तव्य होता है। कोशिश अथवा मेहनत करने से वे कभी भी पीछे नहीं हटते। अब हम देखेंगे उपयोजित लेखन, मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। अब हम मुद्दे देखेंगे, एक हंस और एक कौवे में मित्रता। हंस का कौवे के साथ उड़ते जाना, कौवे का दधी पात्र लेकर जाने वाले ग्वाले को देखना, ललचाना, कौवे का दही खाने का आग्रह, हंस का इनकार, कौवे का घसीट कर ले जाना, कौवे का चोंच नचा नचा कर दही खाना, हंस का बिल्कुल न खाना, आहट पाकर कौवे का उड़ जाना, हंस का पकड़ा जाना। परिणाम शीर्षक। तो देखो, अभी हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कुन संगति का फल एक जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पक्षी एवं जानवर रहते थे। उस जंगल में एक बरगद के पेड़ पर एक हंस व एक कौवा भी रहता था। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन वे दोनों खुले आसमान में विचरण कर रहे थे। उस वक्त कौवे की नज़र सिर पर दधी पात्र लेकर जाने वाले एक ग्वाले पर गई। दधी पात्र देखकर कौवे के मुंह में पानी भर आया। उसने तपाक से हंस से कहा, क्यों न हम दोनों मिलकर दधी पात्र से थोड़ा थोड़ा दही खा ले। हंस ने कहा, नहीं भाई, इस प्रकार चोरी या छिपकर खाने से आफत आ सकती है, हम पकड़े जा सकते हैं। फिर भी कौवे ने हंस की एक न सुनी। वह जबरन हंस को घसीट कर दधी पात्र के पास ले आया। वह बड़े मजे से दही को खाने लगा। ढेर सारा दही देखकर वह अपनी चोंच नचा नचा कर दही खाने लगा। हंस सिर्फ उसके साथ था, लेकिन उसने दही को छुआ तक नहीं। दधी पात्र लेकर जाने वाले ग्वाले को एहसास हुआ कि दधी पात्र में से कौवा या अन्य पक्षी दही खाने का चेष्टा कर रहे हैं। ग्वाले ने आओ देखा न ताओ, तुरंत अपने दाहिने हाथ ऊपर कर उसने हंस को पकड़ लिया। तब तक आहट पाकर कौवा वहां से उड़ गया। बेचारा हंस, उसका बुरा हाल हुआ, ग्वाले ने उसे मार डाला। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बुरे लोगों के साथ रहने से बुरा होता है, इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। तो आज के इस कर्मवीर कविता में से हमने स्वाध्याय और उपयोजित लेखन देखा। If you like this video, then please like, subscribe, share, and also don't forget to comment. Thanks for watching.